सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा अपने 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर संरक्षक वीरेन सपति के मार्गदर्शन व संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में शनिवार को जिला चिकित्सालय दुर्ग के ब्लड बैंक में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल की देखरेख में संस्था के 14 सदस्यों द्वारा रक्तदान कर मनाया गया। सर्वधर्म सेवा संस्था ने अपने स्थापना दिवस पर रक्तदान कर इसको उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर नए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी तथा सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत कुमार साहू द्वारा रक्तदाताओं का स्वागत सम्मान पत्र देकर किया गया। साथ ही 2 महीने में संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अपना अंगदान व देहदान किए 18 महादानियों को संस्था की ओर से आभार पत्र दिया गया। वरिष्ठ डॉक्टर द्वय ने संस्था के किए गए कार्यों का रिकॉर्ड एल्बम अवलोकन कर संस्था के कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की और सभी उपस्थित लोगों को रक्तदान के विषय में बताया। रक्तदान करने वाले सोन कुमार, हर्षिकांत मिश्रा, अंकित गुप्ता, कुलदीप, उपेंद्र पांडे, जीवन राम, राजेश भोई, अनमोल महेंद्र, जितेश मनीष, श्रीमती हरतिमा साहू, शेखर साहू, आनंद वर्मा, सोम साह आदि शामिल रहे। अंगदान व देहदान संकल्प करने वाले श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, सचिंद्र कुमार भोयर, श्रीमती विनीता, आनंद कुमार, श्रीमती सुष्मिता, श्रीमती मनीषा नवानी, प्रशांत कुमार सुनारे, विजय कुमार छबलानी, डॉक्टर हेमा कुलकर्णी, श्रीमती सावित्री टीडे रात्रे, पुनर रात्रे, राजेंद्र बंजारे, हथरू राम कोसरिया, धर्मबाई चंदेल, सुखी राम रात्रे सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल रहे। सर्वधर्म सेवा समिति द्वारा जो आज रक्तदान एवं देहदान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें देहदान करने वाले, देहदान की घोषणा करने वाले महानुभावों को प्रमाण पत्र इनके द्वारा प्रदान किया गया है। मैं समिति के सदस्यों की तरफ से और जिला अस्पताल की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से इन देहदान करने वाले, देहदान की घोषणा करने वाले महानुभावों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने व्यक्ति के उपरांत की समाज सेवा का संकल्प लिया है, तो जो इनकी भावनाएं हैं हम उसको कार्य रूप में सुचारू रूप से पंडित कर पाए। सेवा संस्था का आज स्थापना दिवस, 20वां स्थापना दिवस है। मैं संस्था के प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूं और सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जिस तन मन धन से अभी तक संस्था के प्रति काम कर रहे हैं तो इसमें कोई कमी या खामी नहीं ढूंढ रहा, इससे और बढ़कर करें, ये मेरी उनको एक नीक सलाह है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर देहदान, अंगदान किए, रक्तदान किए, आप देखे होंगे सबका प्रमाण पत्र दिया गया। यह एक समाज के लिए सीख है कि हम जीते जी समाज के लिए जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं, हमारे मरणोपरांत हमारा शरीर उनके काम आए, ताकि हम मरने के बाद भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करके गए, ये हम बोल सकें, यह हमारा परिवार बोल सके, हम भगवान को बता सकें कि देखो भगवान, मरने के बाद ये समाज को कुछ ना कुछ तो दे के आए, बहुत अच्छी बात है। आज देखे होंगे कोरोना काल के समय रक्त की कमी के कारण बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपनी जान दिए, यदि हमारे पास इतना रक्त रहता तो हम कई लोग जान को बचा सकते थे। रक्तदान के प्रति लोगों में एक भ्रामक है कि रक्तदान से मनुष्य कमजोर हो जाता है, आपको बता दूँ कोई झाड़ है इसके ऊपर के टहनी को यदि काट दिया जाए तो उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, बल्कि आजू बाजू से शाखाएँ और निकल कर झाड़ और बड़ा होता है, तो आप जितना रक्त दोगे, लिमिटेशन है उसका, इतने समय के अंदर में दोबारा देना है, तो रक्त जब आप देंगे तो आपके शरीर में नया रक्त बनेगा, आप में एक स्फूर्ति आएगी, आपके चेहरे में एक ऊर्जा दिखेगी। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि रक्तदान, देहदान, अंगदान से आप डरें मत, इसको अपनाएं, यही समाज के हित में है। धन्यवाद। नेत्र सहायक अधिकारी और प्रदेश का कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हूँ, स्वास्थ्य शिखर के अधिशंकर। आज सर्वधर्म सेवा समिति के कुल जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार रहा, इनका 20वां जो अपना दिवस है, और क्योंकि मैंने प्रतीक भोई सब प्रतिशत जो हमारे उन्नवासियों को देखा है, ये हजारों पेड़ लगा चुके हैं, हम वॉकिंग में जाते हैं देखते हैं, तो लगाना ही नहीं है इनका उद्देश्य, पौधों को देख रेख करना, गर्मी के दिनों में वाटर टैंक लगा करके पानी देना, मैंने पूरे दुर्ग जिले में इसी संस्था को देखा है जो पूरे पौधों को केयरिंग अच्छे से करते हैं, ये नहीं कि सरकारी काम में पौधे लगा करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा पूरा संरक्षण दिया जाता है, इस बात का मुझे खुशी है, तब मैंने इनका साथ देने का ये किया। और मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग
हमारी बहने आज देहदान किए हैं माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। संस्था का आज 20वां स्थापना दिवस है, उस अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ। 20 वर्षों में समाज ने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, साथ ही मैं उन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया, जिनके सहयोग की वजह से हम इस 20 साल वर्ष का समय जो है और हम आज तक यहाँ पहुँचे, इसलिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज रक्तदान का कार्यक्रम था, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो है वो रक्तदान अवश्य करें जीवन में एक बार। साथ ही हम इस बार की भीषण गर्मी को बहुत अच्छे से हमने अनुभव किया है, मैं आपसे विनम्र ये अनुरोध करूंगा सभी से कि एक पौधा अवश्य लगाएं, एक पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगा के छोड़ेंगे, बाकी उसका पोषण प्रकृति करेगी, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, यही निवेदन है मेरा। सीएमओ दुरु द्वारा संस्था का डोनर कार्ड व आभार पत्र देकर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वीएस राव और राकेश रत्नाकर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।